okay so good evening everyone if i am audible if i am visible uh, write something in comment section uh, please inform me and like the stream and then we can proceed the class okay so good evening everyone okay सो so, हाय फाइजा हाय अजोन हाय अनुभव हेलो एवरीवन दिस इज़ लेट्स क्रैक यूपीएससी पी सी एस सी एंड आई एम श्वतांक और हम क्या करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की लास्ट क्लास है ठीक है सो दैट्स वॉट वी गोना डू हम एक पूरा प्लान था कि 20 लेक्चर में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाए ठीक okay? so, है सो बीसवाँ लेक्चर है Uh, जैसा कि मैंने लास्ट नाइनटीन्थ लेक्चर में आपको अफ्रीका की मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी हैं आई डोंट थिंक सो कि किसी को अफ्रीका में कोई कन्फ्यूजन होगा अगर है सो so, आज की क्लास में आप कमेंट uh, सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है अडिशनली एक चीज़ और ऐड हो गई है जो अभी तक हम नहीं पढ़ते थे तो उसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा और उसके बाद पूरा का पूरा सेशन जो है वो टू से टू तक जितने क्वेश्चन आए हैं ठीक है थीके? वो सारे के सारे हम क्लास में आज डिस्कस कर लेंगे और वो सारे ऐसे हैं जो कि इन लेक्चर्स में इंक्लूडेड हैं ठीक है मेकिंग श्योर sure कि कोई भी चीज छूटे ना एक चीज़ है जो छूटी हुई है इसलिए हम क्लास शुरू करते हुए पहले आधे घंटे में उसको खत्म करेंगे आज फिर हम आगे बढ़ेंगे ये लास्ट चीज़ है यूजली ये चीज़ कहीं पढ़ाई नहीं जाती थी और इस बार पढ़ानी पड़ी है तो हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबेट अबाउट अन अकेमीमी बिकॉज अन अकेडमी इज गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट एन ऑल तो देखो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेक श्योर यू टेक सब्सक्रिप्शन ए एस ए पी बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेड सब्सक्रिप्शन प्लान के दूसरी तरफ हैं ठीक है थीके? हम मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे जैसे बाकी एजुकेटर भी बहुत कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द चीजें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा दें बट एक टाइम बाउंडेशन होता है एज वेल एज देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम uh, उस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है कि हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा दें क्विज करा दें बाकी चीज़ें ठीक है सो वो पूरे का पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं प्लस आइकॉनिक वॉट एवर सूट्स यू वेदर यू आर जस्ट हैव पास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और यू हैव पास योर ग्रेजुएशन एंड वॉन्ट्स टू प्रिपेयर नाउ फॉर एवरी वन देर इज समथिंग फॉर ट्वेल्व मंथस ट्वेंटी फोर मंथ थर्टी सिक्स मंथ अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर प्लान इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है आईकॉनिकिप में यू विल गट द मेन्टोरशिप एक्स्ट्रा सो मेक श्योर अकॉर्डिंगली आप प्लान करके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ठीक है एस पी वाई टी कोड यूज कर लेंगे उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको टेन परसेंट डिस्काउंट इमिडिएटली मिल जाएगा ठीक है टेन परसेंट डिस्काउंट इमिडिएटली आपको मिल जाएगा सो so, वो कर लेंगे चलो सो लेट्स डिस्कस लेट्स गो लेट्स मूव ऑन टू आज की क्लास जो हमें पढ़ना शुरू करना है सो so यार देखो एक चीज थी जो छूट गई थी ओके okay? किसी को कोई जॉर्ज हाय अक्षय हाय मधुस्मिता हाय अनिकेत हाय अजय हाय अंजुम देखो एक चीज थी जो छूट गई थी एंड दैट थिंग इज जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में बात नहीं की एक्चुअली हम अभी तक कभी भी कोई टीचर इस बारे में बात नहीं करते थे क्या थी वो पेंडेमिक्स ठीक है पेंडेमिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ़ द वर्ल्ड इट इज द वे इट इज़ ओके जिस तरीके की दुनिया इस समय है उसको बनाने में पैंडमिक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बट हम उसके बारे में बात ही नहीं करते ठीक है अंड दैट्स अ फैक्ट हम अगर आपने आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ठीक है आपको पता हो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ देखो इंडिया में 1861-71 ये जो पीरियड है 1861 से सेंसेस होना शुरू हो गया था जैसे 2021 में सेंसस होना था अब तो 2021 में तो नहीं होगा पैंडेमिक के चक्कर में लेकिन देखो अब क्या होता है सो so, 1861 सिक्सटी से हर साल सेंसेस हर 10 साल में एक बार ठीक है डेकेडल सेंसेस इंडिया में होता है ठीक है इतने सारे सेंसेस में देयर इज ओनली वन टाइम जब पिछली बार से आपकी पॉपुलेशन घटी है मतलब अगर के यहाँ सौ लोग रहते थे तो अब पंचानवे लोग हो गए हैं ठीक है थीके? ऐसा इंडिया में सिर्फ एक ही बार हुआ है एंड दैट ईयर वॉज नाइनटीन और वो क्यों हुआ था क्योंकि नाइनटीन से नाइनटीन का पीरियड जो था वो फ्लू का था ठीक है अभी ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रही है ये स्पेनिश फ्लू की ही पिक्चर है अमेरिकन आर्मी के लोग जहां पे एडमिट थे स्पेनिश फ्लू से पीड़ित होके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां की तो देखो वो एक पैंडमिक थी अभी जो चल रहा है पीरियड वो एक पैंडेमिक है ठीक है इसके बाद 1897 की फेमस पैंडेमिक है जिसमें पूना के बारे में आपको पता है आप पूना प्लेग का नाम सुनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में लेकिन आप उसमें पूना प्लेग के बारे में बस इतना जानते हैं कि भाई वो मिस्टर रैंड थे प्लेग कमिश्नर जिनको मार दिया गया था उसके आगे आप बढ़ते नहीं है सो so, उस पैंडेमिक्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है तो आजकल हम क्या करेंगे दे आर आर फाइव सिक्स सेवन पैंडमिक्स इन द वर्ल्ड ठीक है जिन्होंने वर्ल्ड सोसाइटी को बहुत अलग तरीके से चेंज किया है एक एक करके हम उन पेंडेमिक्स पर थोड़ी बहुत नजर डालेंगे एंड विल आल्सो मेक श्योर कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं क्या क्या चीजें बदली हैं उन पेंडेमिक्स की वजह से हम उसको भी आज देख लेंगे दैट्स वॉट वी नीडेड टू डू बिकॉज देखो बहुत ज्यादा चांसेस हैं पेंडेमिक कोई छोटी चीज तो है नहीं ठीक है द होल वे ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल हैव बीन चेंज बिकॉज ऑफ लास्ट सिक्स सेवन मंथ सो ना सिर्फ इसी ईयर बट अगले साल उसके अगले साल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट करें कि देयर विल बी मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अगर हिस्ट्री की बात होगी तो जी पेंडेमिक का क्या इफेक्ट था ठीक है या फिर हेल्थ सेक्टर से हमेशा अब ज्यादा क्वेश्चन हो गए अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं सो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होगी अब वो हेल्थ सेक्टर होगी ये दिस इज गोइंग टू बी अ फैक्ट और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें काम करना है ठीक है सो अब बात शुरू करते हैं देखो आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रही है क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से पढ़िए एक एक करके पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है वेयर अ मास्क एंड सेव योर लाइफ ये 1918 का पैम्पलेट है जो कि देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी है किसने प्रिंट किया सो so, जो कि रेड क्रॉस ने प्रिंट कराया था ठीक है सो नाइनटीन में रेड क्रॉस क्या प्रिंट करा रही थी कि भाई मास्क पहनो ठीक है और नहीं तो ये जो फ़्लू उस टाइम फैला हुआ था जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं ठीक है उससे आप बीमार पड़ जाएंगे ठीक है सो एक तरीके से अगर आप देखें तो वर्ल्ड सोसाइटी 1919 में जो तरीके ह्यूमन बींग्स को सजेस्ट कर रही थी पेंडेमिक से बचने के वही 2019 और 2020 में भी कर रही है ठीक है 101 साल बाद भी हम लोगों को वही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो हम 101 साल पहले कर रहे थे सो देर इज ऑलवेज अ क्वेरी कि पिछले 100 साल में हमने क्या किया है जी किया तो बहुत कुछ है लेकिन हेल्थ सेक्टर में उस तरह की डेवलपमेंट नहीं की जिस तरह से कर सकते थे एनी anyway, वे बात करते हैं अब आगे देखो आ, मेरे पीछे आप पिक्चर्स देख रहे हैं तो आप वही देख रहे हैं कि ये जापनीज स्कूल चिल्ड्रेन हैं बच्चे हैं जापान में वही चीज़ जैसे अभी हो रहा है मास्क लगा के चल रहे हैं अपना काम कर रहे हैं ठीक है सो थिंग्स हैव नॉट चेंज दैट मच एक्चुअली सो पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ सो so, पहले प्लेग से शुरू करते हैं जो पूरी कहानी है देखो प्लेग्स आते रहे हैं बहुत सारे प्लेग हैं अगर आप पिछले 2000 साल में देखेंगे तो आपको रोमन टाइम्स में भी प्लेग मिल जाएंगे बट दोज प्लेग हु हैव प्लेड अ रोल इन मेकिंग द वर्ल्ड द वे इट इज ठीक है जब हम रेनेसांस की बात करते हैं तो रेनेसांस के पीरियड के पहले एक प्लेग आया था जिसका इम्पैक्ट रेनेसांस पे और एनलाइटमेंट के पीरियड पे हुआ था तो हम वहां से बात शुरू करेंगे ठीक है अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं रेनेसांस का टॉपिक नहीं क्लियर है सो मेक श्योर करें कि इसी लेक्चर सीरीज की लेक्चर नंबर वन पे जाएं वापस से यूट्यूब पे इसी लेक्चर सीरीज में आपको लेक्चर नंबर वन पे जाके रेनेसांस वाली और एनलाइटमेंट की क्लास देख लें अब बात समझें कि एनलाइटमेंट और रेनेसांस का पीरियड वो था जो फिफ्टीन में फोर्टीन लेट फोर्टीन और फिफ्टीन में लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं इंस्टेड ऑन फोकसिंग ऑन स्परिचुअल थिंग्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गॉड हमें रैशनल चीज़ें ह्यूमेन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा मटेरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा अब इन चीज़ों पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उसके पहले ठीक है यू हैव टू अंडरस्टैंड एक प्लेग आया था उस प्लेग को कहते हैं द दे ब्लैक डेथ बुबनिक प्लेग बुबोनिक प्लेग जिसमें ऑलमोस्ट टू हंड्रेड मिलियन बीस करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी मिड फोर्टीन सेंचुरी में मिड फोर्टीन सेंचुरी में बीस करोड़ लोगों की डेथ का मतलब समझते हैं आप यूरोप की वन थर्ड पॉपुलेशन वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ होल यूरोप डाइड ठीक है इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कभी आपने देखो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करती है ये एक एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे हम ऑनलाइन जो टीचिंग है ये कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ठीक है जूम कॉल्स बढ़ गई हैं मीटिंग्स मीट हर चीजें ऑनलाइन होने शुरू हो गई हैं एंड पीपल आर रियली अंडरस्टैंडिंग नो कि ये इतने सालों से जो हम कर रहे थे ये मिलना जरूरी होता था क्या एवरी वन हैज दैट डाउट नाउ दैट ये जो हम पिछले इतने सालों से ये मीटिंग्स कर रहे हैं ये तो ई मेल से भी हो सकती थी हम मिलते क्यों थे ओके सो बेसिकली अ लॉ लार्ज अमाउंट ऑफ जोल्ट इट टेक्स टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर एंड दिस पेंडेमिक गिवन अस दैट जोल्ट इसी तरीके की एक चीज़ हुई थी फोर्टीन सेंचुरी में भी आपने कभी वेल देखा है मैं कई बार एग्जाम्पल को देता हूँ वो कुआँ अगर आपने देखा हो कहीं गांव में कहीं गए होंगे आप तो कुएं के ऊपर एक पुली लगी होती है और पुली से बाल्टी जो बकेट होती है हो उसमें पानी निकालने के लिए ठीक है ये पुली नहीं होती थी पहले देवर सो मैनी पीपल वो बकेट को निकाल लेते थे बट जब यूरोप में वन थर्ड पॉपुलेशन की पूरी की पूरी खत्म हो गई ब्लैक प्लेग के कारण ब्लैक डेथ के कारण सो so लोगों ने क्या किया लोगों ने अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करने शुरू किए ठीक है सो इट वॉज बिकॉज ऑफ द प्लेग दैट टेक्नोलॉजी इवॉल्व इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता है कि जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस पेंडेमिक का बहुत सदुपयोग किया होगा बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिन्होंने जो बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे दैट्स एक्चुअली आई काउंट इट इन सदुपयोग ओनली सो मेक श्योर ठीक है अच्छे सीजन देखें वो सदउपयोग ही है ठीक है मनी हाइज देखें और बहुत सारे शोज हैं लेकिन आप यहाँ पर समझें इस चीज को कि आ, उस टाइम क्या हुआ ऐसे ही एक पेंडेमिक का किस्सा है सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी का ठीक है आइसक uh, न्यूटन का नाम आपने सुना है आपको पता है कि आइसक न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा था और उनको लगा कि भाई ग्रेविटी ठीक है so, सो ग्रेविटी उनको आइडिया तो लग गया कि भाई नीचे से कोई फोर्स तो लगती है लेकिन ये जी की वैल्यू जो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ये कैलकुलेट कब की ये कैलकुलेशन के लिए बहुत सारा मैथ्स यूज करना पड़ा बहुत सारा एल्जबरा सॉल्व करना पड़ा किसको आइसक न्यूटन को ठीक है और ये सारी चीज़ें उन्होंने कब की थी पेंडेमिक के टाइम में पेंडेमिक था घर में बैठे हुए थे बोर हो रहे थे जी की वैल्यू निकाल दी सो मीन वैल हम पेंडेमिक में नेटफ्लिक्स देख रहे थे आइसैक न्यूटन अपने पेंडेमिक में जी की वैल्यू निकाल रहे थे ठीक है सो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं समझते रहें करते रहें ठीक है सेलिंग सनसेट ना देखें मनी हाइस तब भी ठीक है फाइन अगर किसी को सजेशन चाहिए कि कौन से शोज देखने हैं आगे बात करते हैं हाँ सो ब्ले ब्लैक प्लेग की हम बात कर रहे हैं अगर हमें कॉज देखना है उसका तो क्या था बिबॉनिक uh, प्लेग का कॉज था बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक है प्लेग का कॉज क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ से आया था कैसे आया था सो so, आप देख सकते हैं द प्लेग मोस्ट लाइकली जम्प कॉन्टिनेंट एंड दे स्टार्टेड बेसिकली इन एशिया ओनली अब इतना टाइम हो गया है ये एनालाइज करना बहुत मुश्किल है वेदर इट स्टार्टेड इन इंडिया और चाइना बट दैट हैज बीन अश्योर कि इंडिया और चाइना में से कहीं शुरू हुआ था इट वॉज फर्स्ट टेकन एट बाई फ्लाईज फ्लाइज से वो रैट्स में गया और रैट्स जो होते थे वो शिप्स पर होते थे और शिप्स के थ्रू वो यूरोप में पहुंच गया लेकिन बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन उस समय ज्यादा टाइम टेकिंग जॉब था इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा ब्लैक प्लेग को फैलने में इट वेंट ऑन फॉर टेन फिफ्टीन ईयर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको दो हजार दस से पंद्रह के बीच में भी इन द होल वर्ल्ड there वर 584 people who died because पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ दिस सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओके ये इस मास्क वाले लोग आपने देखे होंगे कभी भी अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे होंगे आप पुरानी हॉरर मूवी जो सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी की जिसमें वो विच एंड ऑल यूज टू बी और वो वाली जो मूवीज होती हैं तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ मास्क उस समय वो नॉर्मल वाले मास्क नहीं आते थे ठीक है सो so, ये उस टाइम के मास्क होते थे जो लोग लगाते थे पता नहीं मतलब हेलोवीन मास्क बना रहे थे क्या था लेकिन ऐसा ही है ठीक है सो ब्लैक डेथ यानी कब हुई थी 1346 से 1353 फर्स्ट बिग प्लेग दिस इज़ आल्सो द टाइम देखो अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना था कि जेरोसलिम में जेरोसलम में बहुत सारी जो रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं ठीक है uh, वो बंद करनी पड़ी लास्ट टाइम वो भी कब बंद हुई थी इसी ब्लैक डेट के टाइम पे तो 700 साल पहले तो कनेक्टिविटी याद रखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें अगला बड़ा प्लेग कब आया सो दैट हैपन बिटवीन 1852 एंड 1860 1852 एंड 1860 ओके जस्ट गिव मी मोमेंट या 1842 टू एटीन फिफ्टी टू ठीक है अठारह से अठारह तो वो लेकिन अब एक चीज़ ये देख लें कि थर्ड कॉलरा प्लेग का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलरा प्लेग भी आया था इंडिया में ही शुरू हुआ था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड ओवर के लिए हम उतना ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं उस पर ठीक है बट दैट ऑल्सो हैपेंड इन इंडिया ओनली अच्छा जी थर्ड कॉलरा प्लेग जो आया था थर्ड कॉलरा पेंडेमिक जो आया था उसमें एक मिलियन लोगों की डेथ हुई थी कॉज क्या थी अगेन कॉलरा कॉलेरा में आपको पता है इट्स अगेन अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक है बेसिकली आप डायरिया से मरते हैं ठीक है डायरिया से मरते हैं आप सो so, बहुत खराब डेट है ठीक है इससे अच्छा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मरे लाइक द फर्स्ट एंड द सेकेंड पैंडमिक्स द थर्ड कॉलरा पैंडेमिक ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओनली ओके इंडिया में कहां पे वो भी गैंगेटिक प्लेन्स में वही यूपी बिहार बंगाल का जो पूरा रीजन है वहां से एंड फाइनली हमने यूरोपियंस को क्या दिया तो हमने उनसे बदला लिया एक तरीके से 1857 में तो हम उनसे बदला नहीं ले पाए जल्दी लेकिन हमें उन्हें कॉलरा दिया सो so, यूरोप नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका हर जगह ब्लैक प्लेग फैल गया एक मिलियन लोग उसमें मरे थे सबसे बुरी हालत कहाँ पे हुई ब्रिटेन में हुई ब्रिटेन में 1854 में एक साल के अंदर सिर्फ लंदन शहर में तेईस हजार लोग मरे थे ठीक है ब्लैक इस थर्ड कॉलरा प्लेक्स पैंडमिक से सो अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इसी तरीके से फ्लू पैंडेमिक पहली बार बड़े लेवल पे कब आया 1889, 1890 इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब भी कहीं कुछ लिख रहे हो और कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि बहुत सारे पेंडेमिक देखो हर दो तीन चार पाँच साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एपेडेमिक होता रहता है ठीक है एपेडेमिक से पेंडेमिक बनना इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग ठीक है कितने लोग मरे क्या हुआ क्या डिजास्टरस इम्पैक्ट हुआ उस पर बेसिस पे आप उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं अब ये समझ लो कि फ्लू पैंडमिक ऐसा नहीं है फ्लू पैंडमिक यूजुअली चाइना से आता है बैक्टीरियल पैंडमिक्स जो होते हैं वो इंडिया से आते हैं ठीक है इसके अलावा देर आर मेनी अदर थिंग ऐसा नहीं है कि यूरोप और अफ्रीका से पैंडमिक्स नहीं आते हैं ये बोला जैसे अफ्रीका से है यूरोप में भी जर्मनी के पास से एक बार एक पैंडमिक शुरू हो चुका है बट आपको यहाँ ध्यान देना है जब भी आप ऐसे कन्फ्यूज हों तो हमेशा लिख दीजिए द फर्स्ट बिग पैंडमिक और फर्स्ट फ्लू पैंडमिक और बैक्टीरियल पैंडमिक इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री इससे लिखने से ना रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहने से आप एक थोड़ा सा पुशबैक ले लेते हैं एग्जामिनेशन में कि अरे भैया अगर भूल भी गए तो एग्जामिनर गलती माफ करो भैया आप सब नहीं याद है ठीक है वो भी मान जाएंगे क्योंकि पिछले साल तक एग्जामिनर्स uh, भी जो होते थे वो पेंडेमिक को इतना ध्यान नहीं देते थे ठीक है सो इन टोटल डेट टोल अगेन एक मिलियन इन्फ्लुएंजा से हुआ था ऑब्वियसली एक तरीके का कोविड नाइन्टीन भी जो है वो इन्फ्लुएंजा ही है एशियाटिक इन्फ्लुएंजा और रशियन इन्फ्लुएंजा क्लियर नहीं है कि कहां से शुरू हुआ रशिया से या फिर जापान चाइना कोरिया उस पूरे रीजन से ठीक है स्ट्रेन वॉज अगेन एच टू एन टू का स्ट्रेन था वायरस सब टाइप एस थ्री एन थ्री ये याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है फर्स्ट केस कब ऑब्जर्व किया गया एटीन एटी नाइन में ओवर द पीरियड बुखारा इन द सेंट्रल एशियन तुर्कमेनिस्तान कैनेडा ग्रीनलैंड हर जगह पे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मिलने लगा तो यह कभी क्लियर नहीं हो पाया कि कहां से बात शुरू हुई थी ठीक है अब आगे देखो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द द सेंचुरी मेन रीजन कि इतना जल्दी ग्रो कैसे कर गया ठीक है दो इट वॉज द फर्स्ट ट्रू एपिडेमिक इन द ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिली क्योंकि इस फ्लू पेंडेमिक के पहले जितने भी पेंडेमिक्स थे ठीक है उनमें बहुत सारी चीजें सीखने को नहीं मिल पाई क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं थे ठीक है अच्छा सिक्स कॉलरा पेंडेमिको ये हंड्रेड लो टेन एंड 1911 ठीक है टोल 800,000 प्लस और ये भी अगेन कॉलरा है तो कहां से शुरू होगा कॉलरा है तो मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट वही गंगेटिक बेसन ठीक है यूपी बिहार बंगाल वाला पूरा रीजन और इसमें आठ लाख लोग सिर्फ इंडिया में मर गए उसके बाद फिर मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका बाकी जगह भी फैल गया ठीक है अब कॉले एक तरीके से सबसे बड़ा कॉलरा ये 1923 तक चलता ही रहा ठीक है इंडिया में दो तीन पैंडमिक साथ में भी कई बार फैल जाते थे अभी इसके बाद फिर अगली चीज आई दैट वाज फ्लू पैंडमिक ऑफ 1918 ये वो है जिसको आप कहते हैं स्पैनिश फ्लू स्पेनिश फ्लू भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं था कि स्पेन ने फ्लू को फैलाया था ठीक है स्पेन का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था स्पेन वालों का तो बस नाम खराब कर दिया गया था हुआ क्या था कि देखो ये जो फ्लू है ना ये ऑलरेडी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो आर्मी के जो कैंटोनमेंट्स होते थे कैंटोनमेंट्स के अंदर फैल गया अब कैंटोनमेंट्स के अंदर आपको पता है सिटिंग साइमल्टेनियसली होती है बेडिंग साइमल्टेनियस आपकी साथ में होती है सब लोग खाना साथ में खाते हैं तो ऐसी जगह पर फ्लू फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लू फैलते भी जा रहा था बोथ सेंट्रल कमांड में सेंट्रल साइड में भी और अलाइड साइड में भी दोनों तरफ फ्लू फैल रहा था लेकिन दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना जर्मनी की ना ब्रिटेन की क्यों क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगी तो उनके इंडिविजुअल जो आर्म फोर्सेज हैं उनके मोराल पर असर पड़ेगा और वो भाग जाएंगे कैरेप दुश्मन मारेगा तो मारेगा बीमारी से नहीं मरना ठीक है अब उससे बचने के लिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे अल्टीमेटली स्पेन जो था इट वॉज अ न्यूट्रल कंट्री इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्पेन वॉज अ न्यूट्रल कंट्री वो दोनों तरफ से लड़ नहीं रही थी तो अल्टीमेटली जब स्पेन में बीमारी फैल गई तो स्पेन की गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि भाई फ्लू हो गया तो जैसे ही स्पेन से न्यूज आई कि फ्लू हो गया लोगों ने उसका नाम रख दिया है फ्लू लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पेनिश्लू स्टिल नॉट क्लियर कई लोग कहते हैं अमेरिका से शुरू हुआ था कई लोग कहते हैं यूरोप में शुरू हुआ था इट इज नॉट क्लियर बट फ्लू है अल्टीमेटली घूम फिर के कहीं ना कहीं चाइना के आसपास से ही आया होगा फाइन अच्छा आगे देख लो हा डेडली आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा टोर अक्रॉस द ग्लोब इन्फेक्टिंग ओवर थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्वेंटी टू फिफ्टी मिलियन लाइफ एक्टोक जितने लोग वर्ल्ड वॉर वन में मरे थे उससे ज्यादा लोग इस फ्लू पेंडेमिक की वजह से मर गए अच्छा एक एग्जाम्पल और आपको दे दू जिस तरीके से अभी वाले पेंडेमिक कोविड नाइनटीन के कारण इंटरनेट का यूज ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया है वेदर इट इज ई लर्निंग या फिर ई मार्केटिंग ई ट्रेडिंग एवरीथिंग इज गेटिंग ई ई ई ठीक है उसी तरीके से फ्लू पेंडेमिक के टाइम भी हुआ था ठीक है टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बना दिया था नाइनटीन सेंचुरी में ही लेकिन ऑफिसेज़ के अलावा घरों में कोई फ़ोन यूज नहीं करता था टेलीफोन एक्चुअली वो स्टार्टेड बींग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इसी फ्लू पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू के टाइम पे ठीक है लोगों ने अपने घरों में टेलीफोन का कनेक्शन लेना सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश फ्लू के टाइम पे ही शुरू किया था क्योंकि तो पहली बार इस तरह से डिसकनेक्टिविटी हुई लोगों से लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में चले गए ठीक है लोगों को पहली बार कंटेन होने को बोला गया और उसका आउटकम क्या हुआ टेलीफोन पहली बार ह्यूमन बींग्स ने यूज करना शुरू किया तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंटरनेट से भी बहुत सारी चीज़ें अब आने वाले टाइम में चेंज होने वाली हैं ठीक है ऑफ द 500 इन टोटल पूरे वर्ल्ड में 500 मिलियन पीपल वर इंपैक्टेड 50 करोड़ लोग जिसमें से uh, ऑलमोस्ट ट्वेंटी uh, परसेंट ठीक है ट्वेंटी फाइव मिलियन पीपल डाइड इन द फर्स्ट ट्वेंटी फाइव वीक्स इट सेल्फ इंडिया में स्पेनिश थ्रू थो थोड़ा सा लेट आया था क्यों इट वॉज ओनली वेन जब नाइनटीन एटीन में वॉर खत्म हुई ओके नाइनटीन एटी में जब वॉर ख़त्म हुई और इंडियन ओरिजिन की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फोर्सेस थी जो कि सेंट्रल एशिया और खास करके जिसको आप इसराइल कहते हैं वहाँ पे हाइफा में और इवन ग्रीस में नॉर्थ अफ्रीका में पोस्टेड थी वो फोर्सेस जब वापस इंडिया में आई तो वो अपने साथ पेंडेमिक ले आए ठीक है स्पेनिश फ्लू ले आए और बॉम्बे से जब वो क्रॉस करके अपने अपने शहरों में पहुँचे तो उसके बाद फिर गाँव में देहातों में शहरों में इंडियन सिटीज़ में पेंडेमिक फैल गया सो दिस इज़ वन पैंडमिक कोविड नाइन्टीन इज नॉट द फर्स्ट पेंडेमिक जो बाहर से इंडिया में आया है और वो भी वेस्टर्न कंट्रीज से आया है ठीक है इससे पहले स्पेनिश फ्लू भी इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में आया था ऑल दो स्टार्ट अगेन फ्लू है तो चाइना में हुआ था लेकिन इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू आया था ठीक है Uh, जैसे कि मैंने आपको बताया 1921 कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस आउट कर दी जाती हैं क्योंकि पेंडेमिक को कभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है इवन महात्मा गांधी की डॉटर इन लॉ डाइड बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू ओनली महात्मा गांधी वन ग्रैंडसन आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ स्पेनिश फ्लू ओनली ठीक है बट वी डोंट रीड दीज थिंग्स बिकॉज पेंडेमिक को कभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया में मॉर्गेंथ uh, इंडिया में देखें मेल्थूशन मेल्थूशन सॉरी नॉट मॉर्गन टू गॉट प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है इंडिया में हमेशा ब्रिटिशर्स मेल्थूशन प्रिंसिपल यूज करते हैं मेल्थूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नेचर इज केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग इट इशूज और ब्रिटिशर्स उसको कहते थे कि अगर फ्लू पेंडेमिक कुछ फैला है तो यह इससे फैला है क्योंकि इस कॉलोनी में जो लोग हैं ये बहुत जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचर इस और इसलिए हमारी हिस्ट्री बुक और डिटेल में कभी एनालिसिस हुआ ना डेटा अवेलेबल था और ना हमारी हिस्ट्री बुक्स में उन चीजों को कभी लिखा गया बट दैट्स अ रियालिटी और अ पेंडेमिक है तो वो सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाली जा रही हैं एंड दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन ओके चलो इट्स गेटिंग बफ बफर्ड और समथिंग पीपल बफर हो रहा है क्या चलो एशियन फ्लू की बात करेंगे एशियन फ्लू आ, 1956 से 1958 के बीच की बात है 1958 1958 56 से 1958 के बीच दो मिलियन लोगों की डेथ हुई इन टोटल अगेन फ्लू है इन्फ्लुएंजा एच टू टू सब टाइप से ही आया है 1958 56 से 58 के बीच में चाइना के गुजू प्रोविंस से शुरू हुआ हॉन्गकोंग और बाकी एरियाज में फैला पैसिफिक ओशन क्रॉस करके यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1958 आते-आते बोला कि इट इज अ 1968 में हांगकांग फ्लू अलग फैल गया ठीक है वापस से एक मिलियन लोगों की इसमें डेथ हुई इट वाज हैड अ मोर्टेलिटी रेट छोटा था 0.5 परसेंट का ठीक है हांगकांग में लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दिया तो अभी क्योंकि आपको पता है ताइवान हांगकांग और इवन देखो सिंगापुर बहुत हद तक उन्होंने कोविड नाइन्टीन को कंट्रोल कर लिया था उसका रीज़न ये है कि फ्लू पैंडमिक से के साथ वो पहले भी उनके कंट्रीज को झेलना पड़ चुका है 1958 में फॉर एग्जांपल मोर देन इंक्लूडिंग 500 500,000 यानी पाँच लाख रेजिडेंट्स सिर्फ हॉन्गकॉन्ग में उनकी डेथ हो गई थी फ्लू पैंडमिक के कारण नाइनटीन में उससे सीख लेते हुए इस बार वहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ ठीक है सो दिस इज अगेन अ वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक रीज़न ये भी है फ्लू uh, पैंडमिक और बाकी चीज़ों का असर ना होने का uh, east, uh, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना हो गया ठीक है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ताइवान हो गया इज समथिंग क्योंकि रीसेंट पास में रीसेंट पास मतलब 40 साल 50 साल पहले इस तरह के पेंडेमिक्स यहाँ आ चुके हैं सो देर आर पीपल स्टिल अलाइव हु नो की पेंडेमिक से क्या होता है ऑन द अदर हैंड इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ पेंडेमिक इतने साल पहले आया था देट नो वन इज़ रियली अ लाइव नो वन इज़ रियली बॉर्डर्ड ठीक है लोगों ने सुनी नहीं और दैट इज़ द मेन रीज़न क्यों लोग मास्क लगाने को सीरियसली नहीं ले रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी बात छोड़ दीजिए हमें आदत है हम हम ऐसे हैं कि हम हमें करना तो चाहिए ईस्टर्न कंट्री से सीखने की जरूरत है लेकिन हमारी आदत है हम वेस्टर्न कंट्रीज से ही सीखते हैं तो उन्होंने अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प ने मासी लगाया है हम क्यों लगाएंगे ठीक so, है सो यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं तो बिहार में भी हो ही जाएंगे सो so, हमारी इशूज ही कुछ अलग हैं ठीक है ठीके? हमने वेस्टर्न कंट्रीज से लिबरलिज्म लेना था हमने लिबरलिज्म छोड़ के बाकी सब कुछ ले लिया उनसे तो, ओके चलो क्या हो गया फाइन सो so, ये वो सारी चीजें होगी अच्छा इसके अलावा एक पेंडेमिक और है जो ऑन गोइंग पेंडेमिक है एंड दैट इज एड्स एच आई वी ह्यूमन इम्यूनियो ठीक है इम्यूनो डिफिस सिंड्रोम ओके देखो एच आई वी के साथ एड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग भूल जाते हैं वो उसको कैंसर के लेवल की बीमारी ट्रीट मान लेते हैं लेकिन एच आई वी एड्स इज अ पेंडेमिक वायरस से होने वाली डिजीज है इट्स अ पेंडेमिक ठीक है 1976 में पहली बार खोजी गई थी इसके खोजने को लेके अभी भी कुछ इश्यूज हैं कि किसने कब खोजी लेकिन सबसे पहले इट वाज आइडेंटिफाइड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 19 सेशन किया है लास्ट वाला कांगो के बारे में आपने पढ़ा है वही लियोपोल सेकेंड वाला कांगो वहीं पे एड्स को सबसे पहले वायरस को ढूंढा गया था ठीक है 1981 एटी वन किल इट हैज किल्ड मोर देन थर्टी मिलियन पीपल सिंस 1981 क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी uh, का जो मोड uh, है वो बहुत स्पेसिफिक है ओके एयर बॉन्ड एयर बॉन्ड नहीं हो सकता मूव ऑन नहीं कर सकता एच का वायरस और इसलिए आप बच जाते हैं इसलिए आप हमेशा इसमें बच जाते हैं और ओवर द पीरियड चलते जा रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है ठीक है करंटली दे रहा है थर्टी टू 35 मिलियन पीपल जिनको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम है ठीक है वास्ट मेजोरिटी ऑफ दोस्ट हु इन सब सहारन अफ्रीका ठीक है सब सहारन अफ्रीका मतलब वही साहेल वाला पूरा एरिया जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे ठीक है उस एरिया में देर आर मोद की टोटल पॉपुलेशन के फाइव परसेंट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एच आई वी एड्स ओके अब अवेयरनेस कैंपेन अब बढ़ी है चीज़ें हो भी रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली गई है दैट पीपल हैविंग एच आई जिनके अंदर एच आई वी वायरस एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो वायरस मिला भी है वो भी अपनी लाइफ प्रॉपरली रह ले रहे हैं जी ले रहे हैं लेकिन अभी भी ये पेंडेमिक चल रहा है तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी वर्ल्ड में कौन सी बड़ी दो पेंडेमिक्स pandem चल रही हैं सो यू डोंट हैव जस्ट कोविड नाइन्टीन एच आई वी एड्स इज अ पेंडेमिक एंड दैट्स अ ऑन गोइंग पैंडमिक जो अभी भी चल रहा है मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग आगे बढ़ेंगे अब आ, हाँ अच्छा सो ये पेंडेमिक्स की सारी बात हो होगी पैंडेमिक्स में बस इतनी बात करनी थी जैसे मैंने बोला कि शुरू के आधे घंटे में पेंडेमिक्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पेंडेमिक यार मिस हो जाता है ठीक है अब मेरे को ही लगा कि यार ये एक चीज़ है सब कुछ करा दिया तो ये भी खत्म करा देते हैं अब चलो कोंडा प्रिया द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल है आई एम डूइंग इट दिस वे आई होप यूल अंडरस्टैंड एंड इफ यू डोंट जस्ट टेल मी टू स्पेसिफिकली रिपीट दैट स्पेसिफिक थिंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट ओके या सो अब आते मेन हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे जिसके लिए क्लास शेड्यूल की गई थी ओके okay? सो so, अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसका क्या मतलब है कैसे सॉल्यूशंस लिखने हैं और एवरी थिंग विच कवर्ड इन योर एग्जामिनेशन और आई होप जो चीजें कवर की गई हैं आगे के एग्जाम में भी उन्हीं से चीजें आए चलो वट कैन अब टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन आया हूं कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है जीएस पेपर टू के हिसाब से लेकिन इसमें अनलेस एंड अनटिल आपको एक हिस्टोरिकल आइडिया हो वर्ल्ड हिस्ट्री का आप इसका आंसर प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे आप दस में से चार नंबर वाला आंसर लिख लेंगे दस में से साढ़े सात नंबर वाला आंसर नहीं लिख पाएंगे ठीक है सो व्हाट यू नीड टू एंड हैव हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि फ्रांस को कंपेयर ही क्यों किया जा रहा है इन फ्रेंच सेक्युलरिज्म को इंडियन सेक्युलरिज्म से सो यू नीड टू नो अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है प्रेजेंट रिलीजियस क्राइसिस फ्रांस में क्या चल रही है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सो so मेरे ख्याल से अल्जीरिया वाला पूरा इशू मैंने अभी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है लेक्चर नाइनटीन में वहां मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था एक बार थोड़ा सा आइडिया मैं आपको वापस दे देता हूँ कनेक्ट करने के लिए कि देखो फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत स्टैंडर्ड बात क्या कहता है नाइनटीन में फ्रांस में जो अमेंडमेंट आया

आर्टिकल आर्टिकल थर्टी तक आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू थर्टी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट प्रोत्साहित करेगी गवर्नमेंट लोगों को हेल्प करेगी थ्रू देयर रिलीजियस मीन उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि इंडियन सिस्टम ये बात एक्सेप्ट करता है कि कल्चर और रिलीजियस एक अमेलगमेटेड सिस्टम है इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं ठीक है कल्चर और रिलीजन आपस में मिली हुई चीज़ें हैं और उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं चाहे आप जो कर लें इस चीज़ को फ्रेंच सिस्टम नहीं समझता है एंड दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वॉज आज कि क्या सीख सकता है फ्रांस अभी जो आपको बार बार इशूज दिख रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी में ठीक है कभी प्रॉफिट मोहम्मद के कैरिकेचर को लेके कभी आप देख रहे हैं कि एक देख पूरी टसल चल रही है द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑफ फ्रांस फ्रेंच मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेंच पीपल सो वो टसल कैसे आ रही है क्या रीश्यू है उसका रीशू यही है इस आंसर में आपको यही लिखना था कि हाउ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज मोर प्लूरलिस्टिक एंड इज मोर कल्चरली एसिमुलेटिव ये दो की वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ऐसे आंसर में इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलिज्म इज प्लूरलिस्टिक प्लूरलिस्टिक एंड कल्चरली एसिमुलेटिव ओके कल्चरली एसिमिलेटिव और इसकी वजह से आप लोगों को आपस में जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो लोग सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेड फील कर रहे हैं पीछे छूटे हुए लैग्ड बिहाइंड फील कर रहे हैं उनको आप साथ में ला सकते हैं दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आपसे यहां पे एक्सपेक्ट किया गया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंडिया की जो डोमेस्टिक सेक्युलरिज्म की पॉलिसी है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 आपको मेंशन करनी होगी ियम्बल में सेकुलरिज्म है वो आपको मेंशन करना होगा और देन यू हैव टू मेंशन कि अल्टीमेटली दोनों सोसाइटी चाहती यही है कि एक मल्टी कल्चरल कल्चरल सोसाइटी सोसाइटी बन पाए एक मल्टी एसिमिलेशन के साथ रह पाए विदाउट ए आयोटा ऑफ वायलेंस और दैट इज समथिंग विच नीडेड टू बी मैं ठीक है सो दिस इज समथिंग आपको थोड़ी सी समझ में आएंगी अच्छा नुमान इजिंगल टू नाइनटी फाइव आर्टिकल क्या प्रॉब्लम हो गई नुमान इसमें देखो आर्टिकल 295 नाइन्टी फाइव दोज हु डोंट नो इंडियन पीनल कोड में आर्टिकल 295 नाइन्टी फाइव सब सेक्शन वन है जो इंडिया में यूज होता है और पाकिस्तान वाले बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद क्योंकि जब इंडियन पीनल कोड में 295 नाइन्टी फाइव सेक्शन सब क्लास वन है ठीक है uh, पाकिस्तान में सब क्लास टू भी डाल दिया गया था और इट इज़ ऑल जस्ट अ वे थ्रू विच आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा किसी के रिलीजन के अगेंस्ट मत बोलो किसी को हर्ट मत हर्ट मत फील कराओ ठीक है बट दिस थिंग इज समथिंग विच ह्यूमन बींग शुड है टू नाइनटी फाइव सब क्लास ए सब क्लास वन और 295 नाइनटी सब क्लास टू जो कि इंडिया में है ही नहीं वो सिर्फ पाकिस्तान में है 295 नाइन सब क्लास टू ठीक है ये सारी चीजें जो हैं इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए एक प्रॉपर सोसाइटी में एज सच ओके देर आर अदर क्वेश्चन इज देर एनी स्पेसिफिक रीजन सर दैट फ्रॉम गैंगटिक प्लेन्स पेंडेमिक्स है वर्ल्ड और फ्रॉम इंडिया अनिकेत आ, देखो आ, जितने भी लेग हैं ठीक है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉर्न बैक्टीरिया से होते हैं ओके और ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे जब तो गैंगेटिक प्लेन में एक्सेसिव ह्यूमन पॉपुलेशन है ठीक है और एक्सेसिव ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब क्या है जो रिवर बॉडीज़ हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने का क्या मतलब है एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने का मतलब है यूजुअली रिवर बॉडीज जो होती हैं वो एक फ्लोइंग सिस्टम में होती हैं सो दे आर केपेबल ऑफ कीपिंग देम प्यूरिफाइड तो नहीं कह सकते हैं बट एटलीस्ट कीपिंग क्लीन लेकिन अगर आप उस पर एक्सेसिव प्रेशर डालोगे हद से ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे सो so वो अपने आपको क्लीन नहीं रख पाएंगे और जब वो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे रिवर बॉडीज अपना नेचुरल लेवल पे सो देयर इज बट नैचुरल दैट समाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक प्लेस सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज वॉट अगेन एंड अगेन हैपन इन गैंगेटिक प्लेन तो प्लेग कहीं ना कहीं घूम फिर के ये देखो प्लेग हमेशा कहां पे मिलते हैं प्लेग इंडस वैली ठीक है गैंगेटिक प्लेन और मिकोंग ये जो तीन नदियां हैं दुनिया की प्लेग इन्हीं पे फैलते हैं और कहीं नहीं फैलते ठीक है ऋषिकेश नबर ब्लैसफेमी क्या, क्या पूछ रहे हैं आप टू नाइनटी फाइव से रिलेटेड यप यप ऋषिकेश तो इशू उस पर या चलो सो ये आर्टिकल आंसर आपको समझ में आ गया ये आपको लेक्चर नंबर 19 में भी एक्सप्लेन किया गया है ठीक है जब वेस्टफेलियन सिस्टम समझाया जा रहा था 1648 का वेस्टफेलियन पीस तब भी आपको यूरोपियन सेक्युलरिज्म समझाया गया था वो यूरोपियन सेक्युलरिज्म को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट कौन करता है सेवनटीन के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रिपब्लिक सो वो आपको यहाँ मैंशन करना था ठीक है नाउ दूसरा क्वेश्चन 2019 में ही में पूछा गया था एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वॉज लेड बाई द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवल्यूशन ये एक हार्ड कोर इंटरनेशनल हार्ड कोर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए इसके आंसर को लिखने के लिए आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए क्या क्लियर होना चाहिए मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोलूशन डिटेल में पढ़ाया है बैक टू बैक पढ़ाया है पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन और फिर फ्रेंच रेवल्यूशन क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 सेवेंटी सिक्स है सेवनटीन एटी नाइन और फ्रेंच रेवोलूशन 1789 से आप उसको 1799 कह लीजिए क्योंकि चलता ही रहा था जब तक नेपोलियन पावर में नहीं आ गए थे ठीक है अब ये जो पूरा पीरियड था इसमें वेदर इट इज द राइटिंग ऑफ थॉमस पेन ठीक है जब उन्होंने कॉमन सेंस लिखा मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं ये क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस्ड है आई होप आप लोगों ने क्लासेस की हैं अगर नहीं की हैं तो आई थिंक आप उसे अटेंड कर लें स्टार्टिंग की इसी सीरीज की सी क्लासेस ठीक है दे आर रिकॉर्डेड आपको बस स्क्रीन को पॉज करके उस पर जाके क्लिक करना है आई होप इतना कर लेंगे ओके या चलो देखो थॉमस पेन ने किताब लिखी जिसका नाम था कॉमन सेंस थॉमस पेन ने कॉमन सेंस में क्या लिखा कि भाई इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट नहीं था अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अमेरिका इसको ब्रिटेन जैसा छोटा सा आइलैंड कैसे चला रहा है ये तो कॉमन सेंस के अगेंस्ट बात है एक कॉन्टिनेंट को एक आइलैंड कैसे रन कर सकता है भाई इंडिया अंडमान निकोबार को रन करता है समझ में आता है अगर कल की डेट को आ, पोर्ट ब्लेयर में गवर्नमेंट बन जाए और पोर्ट ब्लेयर की गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर ले तो ये चीज थोड़ी अपसर्ड लगेगी दिस इज समथिंग जो थॉमस पेन ने रियलाइज कराई अमेरिका में रहने वाले जो सेटलर्स थे ठीक है उसके साथ साथ फ्रांस में जो चीज़ें हो रही थी फ्रांस में फ्रेंच रेवोलूशन के पहले भी लुई सिक्सटीन का जो अपोज कर रहे थे लोग तो जो कॉन्सेप्ट जो आइडियाज़ जो जैसे रूसों के जो कॉन्सेपचुलाइजेशन थे ठीक है बाकी लोग जो चीज़ें कह रहे थे ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही थी वो सारी चीज़ें आपकी क्लास में डिस्कस हैं और वो दो थिंग्स नीड टू बी मैंशन फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक आइडिया जो था वो क्या था ये अगर आप जाके देखेंगे तो जैसे इंडिया का ठीक है नेशनल एम्बलम के नीचे स्लोगन लिखा होता है सत्यमेव जैते ओके? वैसे ही फ्रांस की जो स्लोगन है लिबर्टी हैिटी ऑफ फ्रेटर्निटी का ये हमने कहावोल्यूशन से मिलता है साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक भी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है ऑल्दो अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो लीडरशिप थी उन्होंने फ्रांस से रिपब्लिक का आइडिया बोरो किया और फ्रांस के इंप्लीमेंट करने से पहले अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया दैट इज अगेन समथिंग यू नीड टू मेंशन। देखो डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिली है डेमोक्रेसी हमें कहाँ से मिली है डेमोक्रेसी हमें इंडिया को इन द फॉर्म इट इज ब्रिटेन से मिली है और अगर इन एकदम कोर एसेंशियल सेंस में कहा जाए तो डेमोक्रेसी हमें ग्रीस से मिली है ठीक है अब उसके बाद ठीक है इंडियन एंशियंट हिस्ट्री वाले लोग ऐसा भी कहते हैं हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसीज थी ऑल सब वो सब बातें हम बाद में करेंगे अभी लिखने के हिसाब से बात करेंगे तो डेमोक्रेसी इन द फॉर्म वी यूज राइट नाउ जिस फॉर्म में डेमोक्रेसी इस समय इंडिया में इंप्लीमेंट होती है वो कहाँ से आई ब्रिटेन से आई वेस्टमिंस्टर मॉडल से आई सो so, वो अलग बात है वो इस आंसर में मेंशन नहीं करना है बहुत सारे स्टूडेंट ने डेमोक्रेसी भी मेंशन कर दिया डेमोक्रेसी मेंशन अगर आप करेंगे एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा कि इस बंदे के फंडे क्लियर नहीं हैं जब एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या चीज़ें मिली तो हम डेमोक्रेसी नहीं लिखेंगे डेमोक्रेसी हमें अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं मिली थी फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से हमें मिला था रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट हैज टू बी इलेक्टेड दूसरी चीज लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये वो चीज़ें हैं जो हमें अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी हमें ये मेंशन करना है साथ ही साथ अगर आप अपना आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे ही आप ये दोनों चीजें लिखेंगे रिपब्लिक इग्वालिटी फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ये लिखते ही आपको दस में से तीन नंबर मिल जाएंगे लेकिन उसके बाद जब आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है सो सिंस यू आर राइटिंग एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू हैव टू कनेक्ट दिस थिंग टू द इंडियन डिमांड ठीक है इंडिया पोस्ट कोलोनाइजेशन जब एक बार कोलोनाइजेशन खत्म हो गया नाइनटीन इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया यू हैव टू राइट एटलीस्ट ट्वेंटी वर्ड्स ऑन दैट उसके बाद अल्टीमेटली इंडिया का मेन एम क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम और गुडनेस ऑफ सोसाइटी जिसको एक तरीके से थोड़े से अगर आप टर्म लो लिख सकते हैं ठीक है अगर नहीं समझ में आता यूटेलीटेरियनिज़म कोई बात नहीं गुडनेस ऑफ सोसाइटी ठीक है बेटरमेंट ऑफ ऑल ओवर वन ऐसे वर्ड्स को यूज कर लीजिए ठीक है लेकिन बैलेंस इंडिविजुअल के बीच में बैलेंस और गुडनेस ऑफ सोसाइटी के बीच में ये हमारा अल्टीमेट एम है और ये चीज हम कैसे डेवलप करेंगे बाई मेंटेनिंग रिपब्लिक बाई मेंटेनिंग लोगों के बीच में इक्वालिटी लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी ये चीजें ठीक है थीके? आगे आते हैं uh, चलो एक सेकेंड देर आज सर्टन क्वेश्चन अंजुमन इज आस्किंग इफ देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म देन वाई इंडिया सपोर्टिंग फ्रांस नाउ अंजुम फ्रेंच स्टाइल ऑफ सेकुलरिज्म इंडिया से बिल्कुल अलग है इंडिया सपोर्ट फ्रांस को इसलिए कर रही है क्योंकि व्हाट फ्रांस फ्रांस इज नो वे सेइंग दैट दे आर अगेंस्ट इस्लाम इमेनअल मैक्रोन ने ये नहीं कहा है कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट हैं जो कोर एजेंडा है जो जो आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हैं एज अ रिलीजन उसके अगेंस्ट है वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि दैट इज ट्रू इंडिया इज सपोर्टिंग फ्रांस ऑन द वेरी आइडिया दैट वाई द नेम ऑफ रिलीजन इज नॉट अलाउड दैट्स इट बिकॉज देखो इंडिया में भी वही प्रॉब्लम होती है इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग अ लेवल ऑफ थ्रेट जो आईसीस से कह लो या पाकिस्तानी टेररिज्म से कह लो वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन ओके इन एनी थ्रू आउट ओवरऑल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप अगर आपने वायलेंस यूज किया सो so, बाद ये नहीं पूछती किसी भी देश की सरकार आपसे कि क्यों भाई क्यों किया अनलेस एंड अनटेल आपने सेल्फ डिफेंस में किया हो आपसे कोई नहीं पूछेगा ठीक है सो आप एक बार अगर आपने वायलेंस यूज किया उसके बाद रिएक्शन स्टेट का आएगा ही आएगा and that is where India is supporting France and not in the way of secularism उस वो concept अलग है India के French आइज वैसे फ्रेंकली मैं आपको बता दूँ चार्ले हेपडो जिस तरह के कार्टून फ्रांस में पब्लिश करते हैं अगर वो इंडिया में पब्लिश कर दें नॉट ओनली अबाउट इस्लामिक इस्लामिक देखो इस्लामिक रिलीजन में मुस्लिम्स uh, के लिए तो uh, मोनोथिज्म है ठीक है आइडल वर्शिप अलाउड ही नहीं है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आइडल वर्शिप अलाउड है स्टिल जिस तरीके के कैरी के क्रेचर्स चार्ले हैपडो पब्लिश करते हैं अगर चार्ले हेपडो उसको इंडिया में पब्लिश कर दें तो उनका शटर भी गिरा दिया जाएगा सो so, उसको लेके इंडिया उतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं देता है यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट ठीक है चलो एक सेकेंड ओके uh, okay. वॉट कॉन्सेप्ट अदर देन ओके एक सेकंड प्लीज डोंट ओके नुमान आई एम नॉट डूंग एनीथिंग लाइक दैट राहुल सर कैन बी बिटवीन अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली यू डोंट है अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दिस क्वेश्चन आपको यह दिखाना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंडिया ने ली है ऐसी कौन सी चीजें हैं और क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड आपको आंसर क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में लेकिन try to assert with respect to India, क्योंकि आपको हमेशा लिखना पड़ेगा इंडियन सिविल सर्विस कनेक्टिंग इंडिया के जो कोर एजेंडाज हैं उनको अमेरिकन रेवोल्यूशन से और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्टेड ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है uh, okay. आस्किंग वॉट कॉन्सेप्ट अदर देन सेकुलरिज्म कैन ब्रिज द गैप बिटवीन टू प्रपोशन ऑन फहीम थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करिए बिटवीन होम दैट्स नॉट गेटिंग क्लियर ऋषिकेश सर कैन यू प्लीज एक्सेप्टूटेलिटेरियनिज्म अब देखिए यार जर्मी uh, बैंथम का कॉन्सेप्ट है ठीक है आपको नहीं पढ़ना है जी के लिए जर्मी बंथम स्कॉलर थे उनका कॉन्सेप्ट है दैट यूटिलिटी ओके दैट गुड बेनिफिट ऑफ ऑल इवन इंपॉर्टेंस ओवर बेनिफिट ऑफ वन सिंपल सी बात है अगर दस लोगों का फायदा हो रहा है एक आदमी का नुकसान करके सो स्टेट विल गो फॉर दस लोगों का फायदा इंस्टेड ऑफ एक आदमी का नुकसान ओके दैट्स द बेसिक आइडिया क्या है किसी भी एक्शन को करने की यूटिलिटी क्या है अगर वो गुडनेस ऑफ द सोसाइटी की ओर मूव कर रही है तो उस चीज को कर दिया जाएगा कॉन्सेप्ट किसने दिया था जर्मी बेंथम ने ठीक है uh, और क्या है सर सर प्लीज एक्सप्लेन हो गया नुमान चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस एंड इट्स एंडशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बायस अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि सर ये तो अगेन क्वेश्चन जो है वो है पॉलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा यूनेस्को रिलेट कर दिया लेकिन आप इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप यूनेस्को के फॉर्मेशन के पीछे के क्राइटेरियाज को जानोगे जो 1945 वाली क्लास में आपको समझाया गया था यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में और साथ ही साथ इसराइल पैलेस्टाइन के इशू को समझोगे एंटी इसराइल बायस जो जुड़ने वाले लोग हैं उनकी अमेरिका में प्रेजेंस है ठीक है अमेरिकन स्टेट्स लाइक बॉस्टन जो इंपॉर्टेंट शहर है बॉस्टन न्यूयॉर्क पूरे ईस्ट कोस्ट में लॉबी जो है वो बड़ी स्ट्रेंथन है बहुत स्ट्रांग है और उनका इम्पैक्ट जो है वो यूनेस्को में दिखाई देता है थ्रू अमेरिका ओके एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर अमेरिका मूविंग बैक बिहाइंड इसराइल इसराइल को अमेरिका सपोर्ट क्यों कर रहा है उसी लॉबी की वजह से उसी कनेक्टिविटी की वजह से सो so ये आंसर करने के लिए आपको इसराइल पेलेस्टाइन इशू को समझना होगा उसके आर्ग्यूमेंट प्ले ऑन करने होंगे ठीक है इंडिया का स्टैंड क्या है इसराइल पैलेस्टाइन इशू पे ये yeah, आप इस आंसर uh, so uh, में मेंशन करेंगे वेदर इट हैज़ बीन डायरेक्टली आज और नॉट ठीक है मेंशन करेंगे सो इंडिया का स्टैंड नाइनटीन फोर्टी में यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन ने जो सजेशन uh, दिया था दो अलग अलग कंट्री बना देते हैं फिफ्टी एरिया ज्यूज को दे दिया जाए फोर्टी एरिया मुस्लिम्स को दे दिया जाए एक एरिया जेरोसलम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाए इंडिया स्टिल सपोर्ट्स दैट आइडिया ठीक है ओवरऑल आपको कंक्लूजन करते हुए लिखना पड़ेगा कि ग्लोबल सोसाइटी की डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट आइडिया अल्टीमेट गोल और अगर वो चीज नहीं हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे जाने से तो दैट इज रॉन्ग एंड द इंटरनेशनल लॉबी शुड पुट प्रेशर ऑन यूनाइट टू कम बैक इन द फोल्ड ऑफ यूनेस्को ठीक है जब आगे देखो इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पोलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड ओके अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन इंडियन मॉडल ऑफ स्टेट ठीक है यह आपको पॉलिटीज में इसका आइडिया मिल जाएगा ठीक है पॉलिटी में इस पूरी चीज का कॉन्सेप्चुलाइजेशन आपको मिल जाएगा लेकिन उसके बाद अगली लाइन क्या है अगली लाइन कह रहा है सेक्ुलरिज्म रिपब्लिकनिज़्म और लिबर्टी के जो कोर एजेंडाज़ हैं वो क्या अलग हैं क्या सही हैं ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में जा आप जान रहे हैं क्योंकि इंडिया वाली हिस्ट्री से आपको इंडिया के पॉइंट्स पता हैं और जब आपने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा हो उसके बाद फिर आपने 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पूरी पूरी चीज़ें पढ़ी रिपब्लिकनिज्म सेंटर फेडरल स्ट्रक्चर की बात पढ़ी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी ठीक है बेसिक टेनेट्स क्या हैं वो बेसिक टेनेट्स हैं बेसिक सेक्युलरिज्म रिपब्लिकनिज्म और इंडिविजुअल लिबर्टी ओके और इन तीनों चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा इन तीनों चीजों पे फोकस करते हुए यू हैव टू मेंशन फ्यू हिस्टोरिकल गिवन द आर्टिकल नंबर्स ठीक है अब सेक्युलरिज्म जो है वो देखो यूनाइटेड स्टेट्स में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ फ्रीडम ऑफ परस्यू कोई भी रिलीजन भी दे देता है इंडिया में जैसे उतना रिलीजन परस्यू करना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकिन यूनाइटेड स्टेट में ये सारे फर्स्ट अमेंडमेंट में डाल दी गई हैं ये चीज़ें मैंने आपको 1865 जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वाली क्लास में थर्टींथ अमेंडमेंट फोटीन्थ अमेंडमेंट और फिफ्टीथ अमेंडमेंट समझाते हुए मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट सेकेंड अमेंडमेंट दोनों अच्छे से डिस्कस किए हैं सो मेक श्योर आप उस क्लास को रेफर करें और वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो हमेशा टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे मैंशन है उस पर पिंग ऑन कर सकते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं चाइना इज यूजिंग इट्स ये 2017 थाउजेंड सेवेंटीन पढ़ते हैं ओके क्वेरीज बीच बीच में पूछते रहें ठीक है चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन इंडिया इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर चलो सोशन के इंट्रोडक्शन में ही आपको क्या एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि भाई चाइना ऐसा ऐसा है इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ा रहा है पॉजिटिव ट्रेड अपना ट्रेड सब इंडिया को ओवर द पीरियड इतनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहा है इंडिया को इम्पैक्ट करने वाला है ये टू में ही पूछ दिया गया है ठीक है जो चीज़ें हो रही हैं टू में ही क्लियर क्रिस्टल क्लियर थी इसलिए पूछ दी गई इसके इंट्रो में ही आपको इंडिया चाइना की जो टसल है इंडिया चाइना के बीच में जो एक हिस्टोरिकल है उनको मेंशन कर देना है ठीक है इसके लिए आपको चाइना पे एक पूरी क्लास आपकी हुई है ठीक है उस से आपको इस आंसर को रेफर करना है यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव टू अक्टूबर 1949 के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में आई सो द स्टेप इनिशियली दे टुक टू असर्ट देयर पावर ऑफ एशिया वो आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी ठीक है वो चीज मेंशन करके फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हाँ वो चीज़ मेंशन करके आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज अ नेबर सो अब इसके बाद फिर आप मेंशन करेंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज क्या है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इंडिया के फ़ॉरेक्स रिजर्व को चाइनीज़ फॉरेक्स रिजर्व से कंपेयर करेंगे ठीक है थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे जरूरी है मेंशन करते हुए कि यहाँ यहाँ पे इंडिया से कमियाँ रह गई ठीक है चाइनिक चाइनीज इकोनॉमिक माइट का एग्जाम्पल देंगे बीआरआई इनिशिएटिव लेंगे यहाँ पे देखें इन क्वेश्चंस के आंसर्स में यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट नहीं लिखेंगे इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन के आर्ग्यूमेंट भी लिखेंगे इसमें आप पॉलिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी मैंशन करेंगे सो so, कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम दिए जो आप क्रिस्टल क्लियर बता नहीं पाएंगे कि अरे इसको किस तरीके से करना है इट विल ओनली डिपेंड कि किस पेपर में पूछा गया है अगर यही क्वेश्चन पेपर टू में पूछा जाएगा तो इसके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो थोड़े अलग हो जाएंगे अगर यही क्वेश्चन पेपर वन में पूछा जाएगा तो इसके आर्ग्यूमेंट अलग हो जाएंगे ये क्वेश्चन ऑल दो टू थाउजेंडी में पेपर जी एस पेपर टू में पूछा गया था लेकिन इसमें का इंट्रो जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस करके लिखना है एंड दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट हेयर ओनली ठीक है अब चलो कोई क्वेरी इसमें 2016 में फिर एक क्वेश्चन आया और द एंटी कोलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलिट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड एफ्रीक एग्जामिन अब ये वो क्वेश्चन था जिसमें सब लोग अपने हाथ उठा के वापस चले आए थे एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसकी वजह से आपको पूरे का पूरा लेक्चर एक लेके समझाया गया है कि अच्छा देख लो भाई सिर्फ वेस्ट अफ्रीकन नहीं जितने भी बड़े लीडर्स हैं अफ्रीका के ठीक है उनका इंपॉर्टेंस क्या है उनका रोल क्या है एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद रिगार्ड्स टू इंडिया ठीक है वो आप समझ लो यानी आपको घाना के ठीक है घाना के जो लीडर थे जिनका नाम क्या है कॉमे निक्रोमा ओके कॉमे निक्रोमा के बारे में बताया गया था साथ ही साथ आपको अफ्रीका में तंजानिया में जूलियस नायरे के बारे में बताया गया था एडी अमीन के बारे में बताया गया था एक पूरी लिस्ट आपको दे दी गई थी कि दीज आर अफ्रीकन लीडर्स जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है ठीक है समथिंग जो इंपॉर्टेंट है और नो सर व्हाट वट अनिकेट क्या प्रॉब्लम हो गई ठीक है सो दैट इज समथिंग जो आपको यहां मेंशन करना है कि अच्छा जूलियस निक्रोमा ने क्या किया न्यूक्रोमिज्म एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया उन्होंने जिसमें उन्होंने पैनिज्म को नेशनल पैन अफ्रीकनिज्म को एंटी कलोनियल नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट किया और साथ में उसको ठीक है नॉन अलाइनमेंट के साथ जोड़ के एक कॉन्सेप्ट बनाया वो कॉन्सेप्ट क्योंकि इंडिया के साथ इंडिया के नॉन अलाइनमेंट एजेंडा के साथ अलाइन होता था इसलिए वो पावर में आने के बाद इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो गए सो एंटी कलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका में आप कॉमे निक्रोमा की बात करेंगे उसके बाद आप लाइबेरिया और सीरिया लियोनी की बात करेंगे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वह लिखा हुआ है यहाँ पे जाके साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा ठीक है अगर बहुत ध्यान से देखिएगा वेस्ट अफ्रीका लिखा है ऐसे अगर वो ईस्ट अफ्रीका लिख देंगे तो आप तंजानिया के बारे में लिख के आएंगे युगांडा तंजानिया और कन्या के बारे में लिख के आएंगे जोमो केन्याटा के बारे में लिखिए ठीक है ई डी अमीन ने क्या घर बने की वहाँ पे ठीक है मुम्बासा के बारे में लिखिए जूलियस नहारे के बारे में लिखिए बहुत ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किस एरिया के बारे में पूछा गया है ईस्ट अफ्रीका साउथ अफ्रीका या फिर नॉर्थ अफ्रीका और आपको हर एरिया में किसी ना किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट नाइनटीन सेशन में लास्ट लेक्चर में दे दी गई है सो so, वहां से आप पॉइंटर्स पिकअप करके आंसर फ्रेम कर सकते हैं ठीक है चलो वाई दट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑकर इन इंग्लैंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है एक क्लास थोड़ी सी पुरानी है ऐसे मैंने वो पॉइंटर्स यहां डाल दिए इसके आगे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ ये क्वेश्चन आया 2015 में हाँ भाई क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल दे आर डूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ डज इट कंपेयर विद विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट सो देखो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तभी होगा जब लोग ग्रो करेंगे और लोग तभी ग्रो करेंगे जब उनको अपना बेनिफिट दे विल बिकम एस्पिरीशनल एंड पीपल विल ओनली बिकम एस्पिरीशनल वेन दे विल हैव अ प्रॉफिट माइंड वो कब बनेगा वो तभी बनेगा जब वो अपने लिए काम कर पाएंगे और इसके लिए पॉलिटिकल फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट थी सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी कंट्री में हुई जहाँ पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो चुकी थी कोई बहुत थोड़ी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पे इंडस्ट्रियल हो गई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बाद में हुई इसका एक एग्जाम्पल है जापान और इसीलिए आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में बाद में जाके जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसके कारण एक ग्रूसम एम्पायर बन गया जापान इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इनटू अ बहुत अच्छी वाइब्रेंट इकॉनमी वाइब्रेंट कल्चरल एसिमोलेशन मानने की जगह जापान बन गया एक ग्रूसम एम्पायर नाइनटीन आते आते ठीक है क्योंकि वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो मेजी रिस्टोरेशन एटीन के बाद हुई थी अंडर किंगशिप ठीक है मोनार्की के अंदर ठीक है इंग्लैंड में ये चीज नहीं हुई थी और ये बहुत बेनिफिशियल था मैंने इसके कुछ एग्जांपल दे दे हूं आपको जब आप ये क्लासेस में से क्योंकि ये क्लास नंबर वन जो पूरी हिस्ट्री की लेक्चर की क्लास नंबर वन थी उसमें ये सारी चीजें थी सो मैंने दो तीन स्लाइडें उठा के डाल दी हैं जिससे आप एक बार इसको देख लें रिवाइज यहीं कर लें मेक श्योर sure आप वो लेक्चर वापस से पढ़ लेंगे ठीक है आ... देखो इंग्लिश सिविल वॉर कब हुई 1642 से 1651 के बीच में ठीक है चार्ल्स वन जो एब्सुलट रूलिस्ट रूल कर रहे थे ब्रिटेन को उनको हटा दिया गया लॉन्ग पार्लियामेंट का सेशन हुआ जो ऑलमोस्ट दस साल चला ठीक है रिजल्ट क्या हुआ किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया था ठीक है मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और नए इस्टेब्लिशमेंट ने नया प्रिंसिपल बनाए पार्लियामेंट बिकेम द सॉब्रन ठीक है उसके बाद भी जब चीजें रिजोल्टीन नहीं एट में ठीक है किंग वॉज रिमूव्ड ओके विलियम ऑफ ऑरेंज वॉज बॉट फ्रॉम हॉलैंड और किंग क्वीन मैरी और विलियम को नया किंग और क्वीन बना दिया गया पूरी पावर पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले ली पार्लियामेंट में कौन से लोग आते हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अब वो क्या करेंगे वो वो बातें करेंगे जिससे लोगों का हेल्प लोगों की मदद हो नहीं तो लोग अगली बार उनको इलेक्ट करके भेजेंगे ही नहीं एंड दैट इज इसके बाद सिक्सटीन एटी एट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिए इंग्लिश पार्लियामेंट और थ्रू इंग्लिश पार्लियामेंट इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए वो इस तरीके के थे जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिला जिससे नेवल पावर बढ़ी इंग्लैंड और आने वाले टाइम में इंग्लैंड बिकेम अ माइटी कॉलोनियल पावर ठीक है सो so अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो गया था ठीक है तो पॉइंट नंबर वन दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पूछ रहा है डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम विद इंडिया एट प्रेजेंट अच्छा सो so पहले तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्लास में आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की डिस्कस की गई है कि हाउ फैक्ट्रीज एक्ट आने से पहले इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट कब आया 1881 लेकिन 1881 के इंडिया के फैक्ट्री एक्ट से पहले ब्रिटेन में फैक्ट्रीज एक्ट आया और उसके पहले दे वॉज अ पीरियड जब पांच साल सात साल के बच्चों से भी काम कराया जाता था माइनिंग कराई जाती थी इंडस्ट्रीज में काम कराया जाता था सो so, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ओवर द पीरियड चेंज की गई और उसके पहले इंडस्ट्रियल एरियाज जो थे वो थोड़े शैंटी टाउनशिप्स होते थे जिसके अंदर एक्सेसिव लोगों को रख के उनसे काम कराया जाता था दैट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू इंडिया का इंडिया में अभी भी, भी बहुत सारे एम एम बांग्लादेश में भी हैं जहाँ पे एक्सेसिवली ग्रूसम कंडीशन में लोगों को रख के उनसे काम कराया जाता है सो दैट इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप उसको बॉडी में कंपेयर करें और फिर कॉन्क्लूजन में देन यू हैव टू राइट कि इट इज बट नेचुरल एक्सपेक्टेड कि जिस तरीके से आफ्टर अ सर्टन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन रीच्ड इन यूनाइटेड किंगडम इन ब्रिटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल लिविंग हैव इम्प्रूव समथिंग सिमिलर विल हैपन इन इंडिया टू एंड विद इन ट्वेंटी और थर्टी ईयर यू विल सी दैट इवन द बॉटम मोस्ट स्टार्टअप ऑफ पीपल बी लिविंग अबोव पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ओके सो दैट इज समथिंग जो आपको यहां मैंशन करना है चलो आगे देखेंगे So, अब 2015 में ही एक और क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं वो क्वेश्चन ये था टू वॉट एक्स जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स आप किस हद तक जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं टू तो वर्ल्ड वॉर के लिए ठीक है सो so, दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को आपको रिस्पॉन्सिबल मानने की बात हो रही है सो so, देखो डिस्कस क्रिटिकली दैट्स द होल पॉइंट सो पहले तो ये टॉपिक अगेन ऑटो वॉन बिस्मार्क जब पावर में आए उनके हटने के बाद देखो किस तरीके से काइजर वल्हम सेकेंड एटीन नाइन्टीज़ में पावर में आए ये आपके क्लास में सेशन में डिस्कस हुआ है यू हैव टू कवर इट फ्रॉम दैर काइजर वल्हम के पावर में आने के बाद आपको अगर याद होगा तो रियल पॉलिटिक और वर्ल्ड पॉलिटिक का डिफरेंशिएशन आपको क्लास में बताया गया था कि किस तरीके से काइज़र पॉ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे और 1911 में उन्होंने मोरक्को के किंग के लाइफ में और मोरक्को की जो टेरिटोरियल क्लेम्स थे उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए ठीक है किस तरीके से उन्होंने यूक्रेन में डैम बनाना शुरू कर दिया और बगदाद तक की ट्रेन बनानी शुरू कर दी इसकी वजह से जर्मनी बिकेमा कॉलोनियल पावर और वो एक तरीके से कंपिटेटिवनेस शुरू हो गई यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में दैट वॉज द फर्स्ट थिंग विच स्टार्टेड सो जर्मनी अप टू सर्टन एक्सटेंट अप प्रेशर करने के लिए ज़रूरी था इट कैन बी पुस्ड ऑन जर्मनी बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से जर्मनी पे ब्लेम नहीं किया जा सकता बिकॉज अदर प्लेयर्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट इन द केस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यू कैन ब्लेम इट ऑन जर्मनी डायरेक्टलीव टू मैंशन अबाउट दिटी ऑफ वसाई इन एंड ग्रूसम एक्सप्लोटेटिव टर्म्स विच वर्क पुट ऑन जर्मनी ठीक है जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि जर्मनी की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो कहते हैं ना इफ यू आर फोर्स अगेंस्ट द वॉल द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन यू अगेन ठीक है अब वो पुश करने में अगर उसको चोट लगेगी सो वेदर यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑन नॉट दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन दैट इज समथिंग विच हैपन विद जर्मनी सो यू हैव टू मैंशन दैट थिंग इसके साथ साथ 1919 से 1939 के बीच में जर्मनी की डोमेस्टिक पॉलिसिक्स कैसे चल रही थी नाइनटीन थर्टी थर्टी नाइनटीन के बाद से नाइनटीन तक चैम्बरलेन जब प्राइम मिनिस्टर हो रहा था फ्रांस किस तरीके से कोशिश कर रहा था कि उनको वॉर में ना जाना पड़े और यूनाइटेड स्टेट किस तरीके से पूरे यूरोपियन इशू से बाहर रहने की कोशिश कर रहा था यू हैव टू मेंशन इन द आंसर दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द क्लास द्वारा यू हैव टू डू इज आपको क्लास रेफर करनी है ठीक है लेक्चर नंबर फाइव एंड सिक्स ओके अब आगे देखेंगे ये वो जर्मनी का मैप है जो 1939 में था देखें ये मैंने क्योंकि क्लास से ही पिकअप की हुई पॉइंट रिमाइंड कराने के लिए ये आपको याद रहना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमेशा से जर्मनी को ज्यादा ब्लेम दे सकते हैं क्योंकि जब ट्रिटी ऑफ वसाई में एरियाज ये थे कि जर्मनी विल नॉट गो बियॉन्ड दैट स्टिल 1936 में हिटलर ने राइन लैंड पे कब्जा किया उसके बाद 1938 में उन्होंने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया और 1938 में पहले सुदेटन लैंड मिलने के बाद भी म्यूनिक में एग्रीमेंट होने के बाद भी 1939 में उन्होंने पूरे के पूरे आदेश कर लिया ये चकोसलवाकिया है ओके और अल्टीमेटली जब उन्होंने सेप्टेंबर में आ, पोलैंड पे अटैक किया ठीक है डेंजिक के पोर्ट पे कब्जा करने के लिए उसके बाद ही कहीं जाके वॉर स्टार्ट हुई सो अगेन दिस थिंग ये समथिंग जो आप मेंशन करेंगे पेपर में फाइन अच्छा आते हैं व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड द इंडियन एंटी कोलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया ठीक है अगेन देखो रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था सो so, उसमें मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि रशिया ने जब जापान जब के अगेन अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश की सो so, रूसो जैपनीज वॉर ऑफ 1905 जिसमें जापान जीत गया और रशिया हार गई दैट वाज द फर्स्ट ब्लो अगेंस्ट द यूरोपियन एम्पायर ठीक है एक एशियन कंट्री ने एक यूरोपियन कंट्री को हरा दिया ये बहुत बड़ी बात थी और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट दिखेगा क्योंकि नाइनटीन वो टाइम था जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ सो यू विल कनेक्ट विनिंग ऑफ जपैन इन द रूसो जर्मन रूसो जापनीज वॉर विद द स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड यू विल मैंशन की इंडियन के मन में पहली बार यह भावना है कि नहीं वी कैन ऑल्सो फाइट एंड वी कैन विन अगेंस्ट द वाइट फोक्स ठीक है सो दैट है ओके इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एटीन नाइंटी सिक्स अभी जब हम इथोपिया पर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ही एटीन नाइंटी सिक्स में इथोपिया uh, ने ठीक है इटली को हरा दिया था इटली लॉस एंड इथोपिया वॉन इथोपिया में वापस से मोनार्की की स्टैब्लिश हो गई थी दिस ऑल्सो गेव अ बोस बूस्ट टू इंडियंस इंडियन फ्रीडम फाइटर इंडियन फ्रीडम वॉल थे नॉट ओनली रेडिकल्स बट ऑल्सो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के लोग मॉडरेट्स जो थे कि द पीपल फ्रॉम वट दे यूज टू कॉल एज द ओरिएंटल लैंड न ऑल्सो रूल दमसेल्फ एंड नॉट ओनली दे कैन रूल दे कैन विन अगेंस्ट द यूरोपियन माइंड ओके सो अगेन दैट थिंग नीड्स टू बी मैंशन ओके चलो टू थाउजेंड फोर्टीन में एक और क्वेश्चन था स्विस कनाल क्राइसिस स्विस कनाल क्राइसिस कल की क्लास में ही uh, डिस्कस हुआ है अगेन ठीक है सो गमाल अब्दुल नसीर जी ए नोकेजिप्ट और आसवान डैम के लिए यूनाइटेड स्टेट से पैसे नहीं मिल रहे थे ये कल की क्लास में ये पूरी कहानी डिस्कस की गई है आपको खाली कल की क्लास नहीं है और उसके बाद से गमाल अब्दुल नसीर ने 120 माइल का पूरे का पूरा स्विस कनाल नेशनलाइज कर दिया था जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ओवर द पीरियड रेड सी और डियागोगा खाली करके इंडियन ओशन को छोड़ के जाना पड़ा अब क्वेश्चन क्या है इससे किस तरीके से ब्रिटेन के सेल्फ एवोट पहुंची ब्रिटेन so, के सेल्फ इमेज को चोट पहुंचने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही मैंने कल की क्लास में आपको दिया था कि दियागो गासिया का जो पोर्ट था वो ब्रिटेन ने लीज पे दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स को बिकॉज दे न्यू कि इसके बाद हम इसको रन नहीं कर सकते हैं ओके सो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट चलो ही द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 ओके okay. अगेन जब मैं आपको नाइनटीन uh, बोल्सविक रेवोल्यूशन के बाद का फेज पढ़ा रहा था द uh, बोल्शिक रेवोल्यूशन पढ़ाया था उसके बाद आपको क्लास में पढ़ाया गया है सीरीज में आप देख सकें रिकॉर्डेड वीडियोस में बोल्सविक रेवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर पढ़ाई गई मैंशविक के साथ बोल्सविक के कुछ दिन तक सिविल वॉर चली वो खत्म होने के बाद ट्रॉट्सकी को हटाया गया और किस तरीके से लेनिन टाइनटीन में पावर में आए लेनिन ने पावर में आने के बाद ये पूरा टॉपिक द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड बाई लेनिन जिसमें लेनिन ने क्या कहा लेनिन ने कहा कि हमें सोशलिस्ट मॉडल हमें कम्युनिस्ट मॉडल स्टैब्लिश तो करना है लेकिन प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कैपिटल भी चाहिए ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है और इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप की गई जिसमें ये कहा गया कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उनको सोवियत के वो प्रोडक्शन करेंगी और वापस प्रोडक्शन के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे सोवियत लोगों को बेनिफिट होगा एडिशनली उससे गवर्नमेंट सोवियत गवर्नमेंट को टैक्सेशन मिलेगा सोवियत यूनियन में बहुत सारा रॉ मटेरियल है वो यूज हो जाएगा उसके पैसे भी गवर्नमेंट को मिलेंगे और प्लस जो सेल होगी सोवियत यूनियन के बाहर उससे भी प्रॉफिट होगा सोवियत यूनियन को प्लस सोवियत यूनियन के अंदर जो चीज़ों की किसी कंपनी से बना के उसको रेगुलेट करेगी सोवियत यूनियन और इसलिए सोशल कंडीशनिंग भी गएगी इसलिए कम्युनिज्म के एजेंडा पे असर नहीं पड़ेगा अच्छा अब यहां से जो पैसे मिलेंगे और यहां से जो टेक्निकल एडवांसमेंट मिलेगा उसके थ्रू आने सोवियत यूनियन अपनी खुद की इंडस्ट्रीज लगाएगा दैट विल बी स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रीज ये वो आइडियाज हैं जो कि न्यू में लेनिन का प्लान था इंप्लीमेंट करने का लेकिन लेनिन की डेथ हो गई अगले ही साल अगेन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का ठीक है उसमें कहीं ना कहीं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी झलक मिलेगी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू महलनोबिस मिलके इसी तरह की चीजें थे थे इंडिया में भी सो अगेन ऑलवेज गो ऑन फर्दर एंड से इंडिया में भी उसको एज इन हु वॉज एबल टू इंप्लीमेंट एंडर द लीडरशिप ऑफ देन leadership इन then एटी in 1988-1990 जब उन्होंने लाइन से एसीजेड बनाने शुरू किए चाइना के अंदर ओके okay? So that is something जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फाइन चलो अब आगे देखेंगे का फंडामेंटल क्वेश्चन है ये ठीक है ये आपको तीन से चार बार अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया गया है ये वो फोटो थी जिसके थ्रू मैंने आपको बिस्मार्क एक्सप्लेन किया था और बिस्मार्क के बाद फिर मैं आपको ये बिस्मार्क की पूरी जिस तरीके से ऑस्ट वेरिन में, में बर्लिन कॉन्फ्रेंस की गई 1885 ने बिस्मार्क ने पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बांट दिया अमोंग द यूरोपियन कंट्रीज लॉर्ड सेलिसबेरी का एक दिया बताया गया था जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से जब अफ्रीका को पे बॉर्डर डिवाइड किए जा रहे थे तो ऐसे एरियाज़ को भी डिवाइड कर दिया गया यूरोपियन गया भी नहीं था ठीक है so, सो उन एरियाज को डिवाइड कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जहां पे कोई यूरोपियन कभी गया भी नहीं था ये वो डिवाइड बॉर्डर्स हैं और ये आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं अफ्रीका में हैं ऑल द लाइन्स आर स्ट्रेट इससे आप ये देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता सारे सारी ट्राइब स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रहती थी ठीक है सारी ट्राइब स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रहती थी ना सो स्ट्रेट लाइन में अगर ट्राइब्स नहीं रहती थी तो उसका क्या मतलब है उसका मतलब यह है कि जबरदस्ती ट्राइब्स के बीच में से लाइन डिवाइड जो कि अफ्रीका में कवर करा दी गई थी आपकी इससे बाहर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज सच आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे ओके सो सोड बी इनफ फॉर यू ओके ठीक है टू थाउजेंड में एक और क्वेश्चन था अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म मर्केंटलिज्म की अगेन आपको डेफिनेशन क्लास में कराई गई है मर्केंटलिज्म क्या होता है किस तरीके से इंपीरियल गवर्नमेंट कैपिटलिज्म को अपने पॉलिटिकल टूल में ऐड करके करती हैं इंप्लीमेंट जिससे कि बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजर का होस्ट पावर का जो कॉलोनीज हैं उनका किसी भी शर्त पे बेनिफिट नहीं होता है दैट्स अ बेसिक आइडिया ऑफ ठीक है ये अगेन मर्केंटलिज्मल कैपिटलिज्म मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की बेसिक डेफिनेशन है जो आपकी स्लाइड्स में है आपको इस पे आई थिंक सो लेक्चर नंबर टू में होनी चाहिए ये चीज ठीक है ब्रिटिश पॉलिसी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द इकॉनमी एट होम एंड कॉलोनीज अब्रॉड सो एज टू इंक्रूव इंक्रीज नेशनल पावर एंड अचीव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर ब्रिटेन ठीक है सो वहां से मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म ही वो चीजें थी जिसके बाद से

उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ उनके अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल मार्केट में कम कर दी गई ये मर्केंटलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है आप चीजों को रेगुलेट करने लगते हैं आप लोगों को फ्री मार्केट नहीं देते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को काम करने के लिए फाइनली सबस्टेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन अल्टीमेटली कैसे हुआ तो सबको पता है ट्रिटी ऑफ पैरिस सेवन ईयर वॉर सेवन ईयर वॉर जो एक्चुअली नौ साल तक चली थी उसके खत्म होने के बाद ट्रिटी ऑफ पैरिस साइन हुई और सिटी ऑफ पेरिस के बाद जैसा कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेस को यह अश्योर किया था कि आपको वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए स्पेस दिया जाएगा जो कि नेटिव अमेरिकन हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा उनको वहाँ से नहीं हटाया गया और रिलैक्सेशन देना तो छोड़िए उनके ऊपर और टैक्सेशन लगा दिए गए स्टैम्प एक्ट ऑफ सिक्स सेवनटीन कर दिया गया और वहाँ टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया गया अमेरिकन स्वेटलर्स ने उसको दिया और आगे चल के दैट वॉज द रीज़न कि सेवनटीन इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया और वॉर शुरू हो गई सो ऑल दोज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन फ्रेंच जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में ठीक है uh, ये सारे रीजन्स हैं उसके ये सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट कर दी गई हैं सो आई डोंट थिंक सो उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी होगी आपको सिर्फ क्लासेज कम्प्लीटली देस यू हैव टू फिनिश ऑल द ट्वेंटी लेक्चर्स एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर श्योर ठीक है नॉट ओनली हियर इवन इन द अपकमिंग टाइम्स ऑल्सो ऑल द क्वेश्चन टू आंसर सो डोंट वरी अबाउट इट ओके और कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी नाउ और आई थिंक सो अच्छा और क्वेश्चन है ओके देर इज वॉट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन टू थाउजेंड थर्टीन में पूछा गया था सो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आपको बहुत डिटेल में क्लियर ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1933 तक रहा था ठीक है ग्रेट डिप्रेशन ने पहले अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरा था ब्लैक थर्सडे नाम से ये आपकी इन्हीं क्लास की स्लाइड्स कॉपी करके यहाँ क्लास में लगाई गई है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें रीजंस क्या थे ग्रेट डिप्रेशन के एक्सटर्नल मार्केट किस तरीके से कोलैप्स किया क्योंकि अमरस मांग लिया जो अमेरिकन्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया था जब अमेरिका में 1929 के बाद डिप्रेशन आया सो उन्होंने अपना पैसा यूरोपियन मार्केट से ओवरनाइट निकाल लिया जिसके कारण यूरोपियन मार्केट ओवरनाइट क्रैश होना शुरू हो गया जिसका इम्पैक्ट मिला जर्मनी में फ्रांस में ठीक है इस तरह की कंट्रीज में इसका रेजोल्यूशन कैसे आया एक बार जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाइनटीन जनवरी नाइनटीन में गवर्नमेंट में आए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम से एक नया पूरा स्कीम बनाया जिसमें उन्होंने न्यू डील एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं था इट वाज सेट ऑफ एक्ट विच गॉट पास ओवर द पीरियड ऑफ 1939 दे वर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन मेनार्ड किंग जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका प्लान आइडिया ये था कि डिमांड प्रोसेस है जो अगर स्लो हो रही हो सो गवर्नमेंट शुड पुट इन गवर्नमेंट शुड इन्फ्यूज कैपिटल टू मेंटेन द साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ठीक है अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोगों के हाथ में पैसे दे दो क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे रहेंगे तो वो चीजों की डिमांड करेंगे डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रीज लगेंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और जिससे वो और डिमांड करेंगे तो साइकिल चलने लगेगी एंड दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द न्यू डील और जिसके प्रोसेस प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बनाए गए यूनाइटेड स्टेट्स नहीं इवन जर्मनी में भी इस न्यू डील को कॉपी किया गया इवन अडोल्फ हिटलर ने भी ऑटोबान नाम से पूरी की पूरी जर्मनी में रोडवेज बनवा के रेडी कर दी ये स्टेट्स में भी जितने फ्री वेज हैं वो सारे इसी 1933 से 36, 37 के बीच में बने इवन जो था जो यूनाइटेड स्टेट्स का फेमस डैम है वो भी इसी फेज में बना सो वो एक तरीके से आप समझ लीजिए अगर आपको जनरल वर्ड में समझना है तो वो नरेगा परियोजना थी नरेगा एक्चुअली उसी पे बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है ठीक है और ऐसा नहीं है कि केन जॉन मेनार्ड केन्स ने ये कहा था ठीक है इवन इन सेवनटीन इन एटीन हंड्रेड ठीक है जब लखनऊ में भी इसी तरीके से आ, सूखा पड़ा था लोगों के पास पैसे नहीं थे ठीक है तो लखनऊ के नवाब थे आ, उन्होंने भी अपने यहाँ बड़े इमाम बाड़े को इसीलिए बनवाया था कि लोगों के हाथ में पैसा दे सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया था सो तो लखनऊ का इमाम बाड़ा जो है ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जॉन मेनार्ड केन्स की जो थ्योरी है वो और भी जगह पे इंप्लीमेंट हो चुकी है ओके यू नीडेड टू एक्सप्लेन किस तरीके से इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किए गए सो जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी और न्यू डी दैट इज समथिंग यू नीडेड टू मैंशन इन दैट सारी की सारी चीजें आपको क्लास में, में आपकी रिकॉर्डेड सेशन में ऑलरेडी मिल जाएंगी आई होप सो इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे uh... कल से यार हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे अंजुम फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री ओके चलो सो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सारी टॉपिक्स एज सच खत्म हो गए हैं अगर एनी वन हैज एनी द स्पेसिफिक क्वेरीज यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन टेलिंग मो देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द क्वेरी और द क्वेश्चन ठीक है सो बस इतनी सी बात है छोटी सी चीज है uh, कोई और क्वेरी किसी को कोई डिफिकल्टी सो फील फ्री टू आस्क आई एम वासव फॉर अनदर टू थ्री मिनट्स और मेक uh, श्योर sure आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वेन एवर यू आर सब्सक्राइबिंग अन अकेडमी मेक डी वाई टी ओके सो दैट विल बी ऑल चलो जूम या या अक्षय कल की क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है दैट विल बी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास एट सिक्स पी एम इन द इवनिंग डिपेंड्स आकृति वेदर यू आर डूइंग सेकेंड रिविजन बट इट शुडेंट टेक मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आवर्स ओके सो बेसिकली अगर आप रोज चार घंटे रिवाइज करने बैठोगे सो यू विल बी एबल टू फिनिश इट मोस्ट प्रॉब्ली इन अ वीक टाइम या चलो थैंक्स अक्षय थैंक्स जॉर्ज चलो देन विल एंड द सेशन दैट विल बी ऑल फॉर नाउ ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन थैंक यू